सरस्वतीरविशुक्रबृहस्पतीन् पञ्चेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। नमस्कार, आज हम फोटो DNA के माध्यम से व्यक्ति के बारे में उसकी समस्याओं पर विचार करेंगे। ये DNA एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक नई विधा है और इसमें हम यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर के माध्यम से डिफरेंट सैंपल को लेकर के उस व्यक्ति के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योतिषीय गणना का एक अलग नियम है और इस प्रकार से जो ऑरा एस्ट्रोलॉजी है उसका एक अलग नियम है जो कि सूक्ष्म विज्ञान पर काम करती है। हमारा शरीर 3 भागों में बटा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कर्ण शरीर। तो यहाँ पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, आभा मंडल और आप, उस पर हमारा फोकस रहता है कि उसके माध्यम से हम व्यक्ति के विषय में जानें और उसके जीवन में जो समस्याएं आई हुई हैं उनके कारणों का पता लगाएं। ये बालिका जो है 15 साल की है, इसके साथ कुछ ऐसे मानस रोग पैदा हो गए हैं जो कि डॉक्टर भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि वजह क्या है। सारी रिपोर्टें ठीक आती हैं, उसमें बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पा रही और पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी है। पढ़ाई लिखाई की तरफ बच्चे का ध्यान नहीं जाता, बच्चे के अंदर उद्दंडता आ रही है और एक प्रकार का आक्रोश पैदा हो रहा है। बार बार झगड़ा कर रही है माँ बाप के साथ, माँ बाप बहुत परेशान है। अब बहुत लोगों को दिखा लिया किंतु कोई कारण ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे की समस्या का कारण क्या है। तो आइए हम यहाँ पर इस फोटो को लेते हैं। ये बिटिया का हमने फोटो ले लिया, यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर जो एक तरह से सबटल एनर्जी को स्कैन करता है, सूक्ष्म तरंगों को पढ़ता है और उसके आधार पर हमको जानकारी देता है। तो उसके आधार पर हम इस बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि इस बच्चे की समस्या का कारण क्या है। हम सबसे पहले IR का सैंपल लेते हैं। IR से तात्पर्य होता है इन्फ्रारेड माइनस में छोटी मोटी बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। टोना टोटका, ऊपरी नज़र दोष, ये सब बातें हमें जो है IR माइनस से पता लगती हैं। तो यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर को हम जो है ऑन कर देते हैं और उसके बाद फिर जो है इसके स्कैनर पॉइंट को फोटो के ऊपर लाते हैं और उसके बाद हम इसको स्कैन करते हैं। तो अगर ये राइट मूव करता है तो ये यस का आंसर है कि IR माइनस एग्जिस्ट करता है। ये लेफ्ट को मूव करता है तो IR माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि ये यस कहता है कि IR माइनस है तो परसेंटेज को भी चेक किया जा सकता है इसके खुलने पे कि ये खुलकर कितना कोण बना रहा है। 90 डिग्री का बनाता है तो 50%, 180 डिग्री का बनाता है तो 100%। तो सबसे पहले हम IR माइनस को चेक कर रहे हैं कि क्या ये IR माइनस इस बच्चे के ऊपर है या नहीं। तो यस और नो में हमको जवाब मिलेगा और ये जो फोटो है रूप तन्मात्रा ये बताएगा हमको कि ये है। अगर ये अचानक खुल जाता है तो ये 100% ये दिखाता है कि इस बच्चे के ऊपर टोना टोटका तंत्र मंत्र का प्रभाव एग्जिस्ट करता है। और ये 180 डिग्री पे ही खुल गया सीधा। 180 डिग्री का मतलब ये कि 100% इसके ऊपर जो है तंत्र मंत्र टोना टोटका का प्रभाव है और जिसकी वजह से इस बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ाई हुई है। अब हम IR माइनस के बाद UV अल्ट्रावायलेट माइनस का सैंपल लेते हैं। अल्ट्रावायलेट माइनस ये कॉस्मिक नेगेटिविटी है जो हमें ब्रह्मांड से आती है। तो क्या इस बच्चे के ऊपर इस तरह का कोई प्रभाव तो नहीं है कॉस्मिक उसका, तो उसको हम एक चेक कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मांडीय नेगेटिविटी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यस और नो में जवाब मिलेगा। तो ये अल्ट्रावायलेट माइनस की रेंज में नहीं आता है। अल्ट्रावायलेट माइनस इसमें इस बच्चे के अंदर नहीं है। बंधन योग का हमने सैंपल लिया और अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या इस बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन का प्रयोग किया गया है या नहीं। तो इसको हम इससे चेक करेंगे बंधन योग को कि बंधन योग एग्जिस्ट करता है या नहीं, यस और नो। तो इस बच्चे के ऊपर बंधन योग नहीं है।
ये क्लियर हो गया। अगला जो सैंपल है यह है पिशाच योग का। पिशाच योग का मतलब होता है इविल स्प्रिट्स, कोई प्रेत आत्मा का प्रभाव तो नहीं इस बच्चे के ऊपर। कई बार हमारा पैर गलत जगह पड़ जाता है, ऐसी जगह हम चले जाते हैं तो उससे भी ये बीमारी और इस तरह की ऊपरी बाधा आ जाती है। तो क्या इविल स्प्रिट का प्रभाव है इस बच्चे के ऊपर, क्या कोई प्रेत आत्मा का प्रभाव है, यस और नो? तो ये इविल स्प्रिट माने प्रेत आत्मा का इस बच्चे के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये क्लियर हो जाता है सैंपल से। आगे हम लोग डिसीज का सैंपल डालते हैं, क्या शरीर में कोई रोग है। अगर यदि कोई शरीर में रोग होगा तो औषधीय उपचार से ही वो ठीक होगा, तो उसको हम चेक करते हैं कि डिसीज का जो ये सैंपल डाल करके क्या ये डिसीज कोई रोग दिखाता है शरीर में। तो ये शरीर में रोग दिखाता है, इसका मतलब ऊपरी जो नज़र आदि का दोष तो है ही किंतु साथ में शारीरिक रोग भी है। तो ये जो रोग है ये किस तरह का रोग है, वातजन है, पित्तजन्य है, कफजन्य है? तो ये कफजन्य रोग है, यानी वात पित्त और कफ में से कफ की प्रधानता आ रही है। क्या ये रोग न्यूरो से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है? ये जो रोग है न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मानस रोग है, स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है। इस बच्चे का जो स्नायु तंत्र है वो वीक हो रहा है और उसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। इसके अलावा केडी का सैंपल कार्तिक दोष, कार्तिक दोष जो है ये उन बच्चों पे आता है जिन बच्चों का जन्म अक्टूबर नवंबर मिड में होता है, जब सूर्य तुला राशि में होता है। कार्तिक दोष एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो ये बच्चा जो है ये अक्टूबर नवंबर के बीच के जन्मा हुआ है बच्चा है और ये कार्तिक दोष दिखा रहा है, और कार्तिक दोष में सूर्य नीच का होता है। सूर्य के नीच के होने से बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो घट जाती है, नेत्र हड्डी संबंधी रोग आ जाते हैं। तो ये कार्तिक शांति इनको करानी होगी, कार्तिक शांति से तात्पर्य है सूर्य की शांति। और एक कालसर्प दोष का सैंपल इसमें डाल करके उसको हम चेक कर लेते हैं कि ये कालसर्प दोष तो नहीं इस बच्चे के ऊपर। कालसर्प दोष राहु केतु से बनने वाला एक ऐसा योग है ज्योतिष में जिसमें सभी ग्रह एक तरफ आ जाते हैं, तो क्या ये कालसर्प दोष है? तो ये कालसर्प दोष दिखा रहा है, इसमें बच्चे के अंदर कालसर्प दोष है। कौन सा कालसर्प दोष है? अनंत नामक कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, ये महापद्म नामक कालसर्प योग है इस बच्चे के जन्म कुंडली में, जो कि छठे घर से होता है। छठे घर में राहु और बारहवें घर में केतु, ये महापद्म नामक कालसर्प योग बनाते हैं और इस बच्चे की कुंडली में ये मौजूद है दोष। तो कालसर्प दोष शांति और कार्तिक दोष शांति, ये दो उपाय अभी श्रेणी में आ गए हैं। और एक जो स्नायविक तंत्र से संबंधित रोग है तो वो औषधीय उपचार से, डॉक्टरी चिकित्सा से ठीक होगा। इसके अलावा कुछ दोष हमारे जीवन में हमारे पितरों से भी आते हैं, पीछे से भी आते हैं, तो क्या पितृदोष है ये जानना चाहेंगे, पितृदोष इस बच्चे के ऊपर। तो पितृदोष नहीं है, मतलब पितरों से रिलेटेड कोई जेनेटिक रोग नहीं आ रहा है या कोई ऐसा दोष नहीं आ रहा है जो पीछे से चल रहा हो, जिसमें तुम्हारे दादा दादी नाना नानी ये सभी लोग आ जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी इस बच्चे के अंदर इस समय कितनी है, शुभ ऊर्जा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का लेवल जितना अच्छा होगा उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी का लेवल हम चेक कर रहे हैं, वो हमें परसेंटेज से पता लगेगा।
90% में पॉजिटिव एनर्जी 50% है, 100% में 180 डिग्री में 100% पॉजिटिव एनर्जी बताता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी इस बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी हाफ मतलब 50% पे है, 50% पॉजिटिव एनर्जी कम है। तो अब हम किस तरह से इस बच्चे का समस्या का समाधान करेंगे? पहली बात तो ये है कि इनको किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा और दिमाग की पूरी जांच करानी होगी और उससे संबंधित चिकित्सा होगी, उससे संबंधित औषधि का प्रयोग होगा, नंबर एक। दूसरी बात, काल सर्प दोष की विधिवत शांति करेंगे, शिवालय में जाकर के जो विधि शास्त्रों में दी हुई है उस विधि से ये शांति कराएंगे। तीसरा, जो कार्तिक दोष है जिसमें सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य के बल वर्धन के लिए कार्तिक शांति भी साथ में कराएंगे, और महापद्म नामक काल सर्प योग की शांति, कार्तिक प्रसूति शांति और साथ में औषधीय उपचार। औषधीय उपचार जो है उसमें जड़ी बूटी का स्नान होगा। जड़ी बूटी के स्नान से नज़र आती दोष है, ऊपरी जो लेयर है नेगेटिव एनर्जी की, वो भी साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो छोटे मोटे टोना टोटका नज़र आती जड़ी बूटी स्नान जो कि सर्व दोष शांति के अंतर्गत की जाती है, उससे ठीक हो जाएंगे। जब ये तीनों तरीके से उपाय किए जाएंगे तो ये बच्चा निश्चित रूप से अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा और शरीर से मन से स्वस्थ हो जाएगा। तो ये मेरा निवेदन है, वो लोग इस पर अमल करें और बच्चे को अच्छे रूप में, स्वस्थ रूप में देखें। धन्यवाद।